अभी ये पाउजेर का जो है महादेव मंदिर है, मंदिर के इतिहास के बारे में अपना आपका नाम सुभाष बावले बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, आपका टाइम के हिसाब से बताइए, शुरू कीजिए। बाबा की दया से जो भी मुझे मैं सुना हूँ बुजुर्ग लोगों से, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो बुजुर्ग लोगों से और संत महात्माओं से जो बैठक में बैठता था उनके साथ, जो बाबा लोग आते थे मंदिर पर, गंगागिर महाराज के मंदिर पर, उन्होंने गंगागिर महाराज को ही बाबा ने अनुभूति दिए, सपने सपने में बोला कि जा तू ऐसी ऐसी जगह जा, मुझे प्रकट होना है। तो बाबा जी वहाँ से ऋषिकेश हरिद्वार के रहने वाले थे, उधर से पहाड़ से आ गए उत्तराखंड से। अच्छा, और यहाँ लोगों से वार्तालाप करे गांव में, और फिर यहाँ सब इस जगह पे सब बच्चे लोग, यानी जो बच्चे छोटे बच्चे मरते थे उनको दफनाया जाता था यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने यहाँ घर रुकने का कोई गांव नहीं था अभी, गांव अंदर था उधर, तो बाबा यहाँ मिट्टी में झके हुए थे, तो उनको प्रकट होना था। अच्छा, उन्होंने वो अनुभूति दे दी गंगा के बाबा से, आ गए हैं उन्होंने गाँव का सरदारी लेके वहाँ खुदाई करी, तो बाबा निकले, बाबा प्रकट निकले, तो फिर वो उनको आश्चर्य होगा कि जैसा भाई बाबा है, यानी सात्विक बाबा है ये, सन्यासी बाबा है, तो सही बात हो गई। तो लोगों को उत्सुकता बढ़ गई, और खोदे और खोदे और खोदे, तो पूरा ऐसा लिंग यानी छाती बराबर लिंग निकला। अच्छा। उसके बाद तो पिंडी निकली और वो पाषाण अखंड निकला। अच्छा, तो खोदते गए खोदते गए, बाबा बोले बस करो अब निकल गया है, खोदने का काम नहीं, जरूरत नहीं, बाबा प्रकट हो गए, बोलो भोले शंकर बाबा की जय, ऐसा करके बाबा ने नहीं बोला तो भी लोग बोले नहीं बाबा अपन देखेंगे ना कहाँ से गए अखंड पाषाण। तो ऐसा खोदते खोदते गए लोग श्रमदान से, तो फिर वहाँ पानी लग गए। अच्छा, जल आ गए, तो बोले अब छोड़ दो, तो जल भी वो आने उस टाइम मशीन वगैरह नहीं थी, बहुत पुरानी बात है, 500-600 साल की आज उसके पहले की बात है। तो ऐसा वो लोगों ने फिर दूसरे को बता के वो हमारे तक कान पर आ गए। अच्छा, तो हमने वो सुना हुआ आपको पता है, अभी वो पानी से अभिषेक जो है लोग जो है आके करते रहते हैं। अभी तो ये जो है टैंकी से आते हैं ना पानी, नहीं टंकी से, अभी टंकी है, अभी बॉडी है यहाँ। अच्छा अच्छा, जलाशय पहले से है। और वो बाबा वहाँ समाधि लिए जब बाबा ने अनुभूति कराया और साक्षात वो प्रकट भ गए, तो बाबा फिर यही रुके गए नहीं उतरा। अच्छा अच्छा, हमारे लोगों पे गया हो। अच्छा, हम जाते हैं बैठे और बाबा ने समाधि ले लिया, गाँव के सब लोग ऑर्गेनिक से बड़ा मंदिर बना, और ये सभा मंडप तो हमको समझता है नहीं है, इसको 100 साल हो गए। अच्छा अच्छा, तो मंदिर बाबा के हाथ का है। अच्छा, ये सवेरे से लेके शाम तक जो है, सवेरे कितने बजे खुलता है मंदिर वगैरह? मंदिर को लाख ही नहीं रहता। नहीं क्या? नहीं, भोले बाबा का मंदिर हर दिन रात खुला रहता है। खुला रहता है कभी भी? साकली लगा लेते हैं। अच्छा अच्छा, ताला नहीं रहता। अच्छा अच्छा अच्छा, कभी आओ बाबा का दरबार खुला है। अच्छा अच्छा, सबके लिए। अच्छा अच्छा, बाबा की सब परिवार बाबा का है। और बाबा दयालु है, लोगों को दया करते हैं बाबा। अच्छा, हर ये साल जो है शिवरात्रि को प्रोग्राम रहते हैं ना, बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम रहता है, उत्साह रहता है, 7 दिन सप्ताह रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आकड़ा हरिपाठ कीर्तन। अच्छा, और सवेरे कथा रहती है दो टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा, शिव पुराण रहो, कथा रहो, जो भी आयोजन करते मंडली, सत्संग मंडली जो रहती है, मंदिर ट्रस्टी समझो जो भी रहते हैं आप इधर इधर नज़दीक रहते हैं आपका भी? हाँ, नहीं जगह में। अच्छा अच्छा अच्छा, आप सर्विस करते थे? नहीं, पहले करता था मैं बिरला फैक्ट्री में। अच्छा अच्छा, जो गिरनी है ना। हाँ, बहुत दिन बाद अभी खेती बाड़ी करते। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बाबा की कृपा हो गई, कुछ कम नहीं। वेरी गुड, अच्छा हो गया, ये इतिहास है मंदिर का। ठीक है, दुनिया में रिश्ता सबसे है मेरा, सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा मैं तू तेरा। अरे बाप, अगर बच्चे की फिक्र तो करना है, बराबर सबका बाप है।
सबका मालिक है, सबका मालिक वो, उसको फिक्र रहेंगे ना, फिक्र रहेंगे बच्चे भूखे कैसे रखेंगे वो। नहीं रखेंगे, धन्यवाद।